क्लास समझ आ गया था ना सबको? आकांक्षा समझ आ गया ना सबको कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? बोलो मानसी, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मानसी आपको? ठीक है, समझ आया ना माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? बोलो ठीक है पीयूष, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की? और रिक्वायर स्किल्स रिक्वायर करता है, ठीक है, और डिफिकल्ट होता है ऑब्टेन करने में, जो हमारा कॉन्टीन्यूस चल रहा है उसको हम, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि हम इसको कॉन्टीन्यूस चला सकें इसको, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं इसकी? बताओ, बोलो हर्ष, आप बताओ एडवांटेजेस क्या क्या होती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की? हर्ष डू यू हेयर मी? आकांक्षा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन? हाँ जी, चलिए ठीक है। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, ठीक है, यूनिट सेकेंड का। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो इन दिस यूनिट, इन म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एडिशन और म्यूको एडिशन, कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। MDDS भी इसको बोलते हैं, ठीक है, MDDS की फुल फॉर्म मतलब म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो म्यूकोजल, जो इसको हम म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसको हम म्यूको एडहेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आर डिलीवरी सिस्टम विच यूटिलाइजेज द प्रॉपर्टी ऑफ बायो एडिशंस, ठीक है, जो क्या करता है, जिसकी बायो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या करता है, यूटिलाइज करता है ऑफ सर्टेन पॉलीमर्स, मतलब कुछ पॉलीमर्स के साथ, ठीक है, विच बिकम एडहेसिव ऑन हाइड्रेशन, ठीक है, क्या बन जाता है, एडहेसिव बन जाता है, ठीक है, एडहेसिव मतलब कि गोंद जैसा, ठीक है, जब हम इसको हाइड्रेट करते हैं तो क्या बन जाता है, एडहेसिव एंड कैन बी यूज्ड फॉर टारगेटिंग अ ड्रग, ठीक है, फिर इसको हम ड्रग को टारगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ बॉडी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमारी पर्टिकुलर, मतलब जहाँ भी हमारा पर्टिकुलर रीजन है हमारी बॉडी का, उसको एक्सटेंडेड पीरियड के टाइम पर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूको एडहेसिव, ठीक है। तो क्या होता है म्यूको एडहेसिव की प्रोसेस में क्या होता है, ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसके केस में बायो एडिशन की प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो बायो एडिशन क्या है, बायो एडिशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ पॉलीमरिक सब्सटेंस, ठीक है, बायो एडिशन क्या है, या एडिशन हो रहा है पॉलीमरिक सब्सटेंस का
तो किस में हो रहा है, बायोलॉजिक मेम्ब्रेन के साथ, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ हो रहा है, ठीक है। तो म्यूकोएडेशन के केस में क्या होगा, जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे पॉलीमर्स के अटैचमेंट के प्रोसेस में को क्या बोलते हैं हम, म्यूकोएडेशन, ठीक है। और इस तरह के जो एडिशन का प्रिंसिपल जब हम यूटिलाइज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कॉन्सेंट, ठीक है, कॉन्सेंट हो जाता है। और जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। क्लियर है कि म्यूकोएडेशन क्या होता है और बायोएडेशन मीन्स क्या होता है, क्या होता है बायोएडेशन मीन्स क्या होता है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। बायोएडेशन मीन्स एडिशन ऑफ पॉलीमेरिक सब्सटेंस टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ एडिशन होना पॉलीमेरिक सब्सटेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोएडेशन, ठीक है। और म्यूकोएडेशन क्या होगा, जब क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे पॉलीमर्स के अटैचमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, म्यूकोएडेशन, ठीक है। आया समझ, क्लियर है आकांक्षा। फिर हमारा बायोएडेशन आता है, बायोएडेशन क्या है, बायोएडेशन एज एन इंटरफेशियल फिनोमिनन, ठीक है। बायोएडेशन क्या है, हमारा इंटरफेशियल फिनोमिनन है, इन विच द टू मटेरियल्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज बायोलॉजिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ इंटरफेशियल फोर्सेस, ठीक है। द अटैचमेंट कुल बी बिटवीन अ पॉलीमर एंड अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इन द केस ऑफ पॉलीमर अटैच टू म्यूसिन, ठीक है, लेयर ऑफ अ म्यूकोसल टिश्यू, द टर्म म्यूकोएडेशन इज कॉल्ड बायोएडेशन, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि बायोएडेशन के केस में, बायोएडेशन क्या है, एक इंटरफेशियल फिनोमिनन है। जब हम बायोएडेशन की बात करते हैं तो जो बायोएडेशन हमारा क्या है, एक इंटरफेशियल क्या है, फिनोमिनन है, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, दो मटेरियल्स के बीच में, दोनों मटेरियल में से कोई एक तो क्या होगा, बायोलॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, और जो दूसरा होगा, दोनों मटेरियल है वो क्या है, इंटरफेशियल फोर्सेज की वजह से क्या है, एडहेसिव होंगे, ठीक है। जब उसमें इंटरफेशियल क्या है, फोर्सेज लगे हैं तो क्या होगा, हमारे एडहेसिव बन गए। इसी अटैचमेंट के लिए कोई एक मटेरियल क्या होगा, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन जब दूसरा मटेरियल है बायोलॉजिकल सब्सट्रेट में तो उसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बायोएडिशन बोलते हैं, ठीक है। और ये बायो टर्म क्या क्यों लगा है, इट मींस कि जो एक मटेरियल है, एटलीस्ट वन मटेरियल इज बायोलॉजिकल, ठीक है। बायो हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक जो मटेरियल हमारा क्या है, बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सब्सट्रेट अगर मैं म्यूसिन लेयर को क्या करते हैं, बायोलॉजिक लेयर को, जो हम हमारी है म्यूसिन लेयर की, ठीक है, जो हमारी म्यूसिन लेयर बनी है हमारी बायोलॉजिकल के साथ, उसको हम म्यूकोसल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। और एडिशन को हम क्या टर्म क्या देंगे, हम इसका म्यूको एडिशन भी बोलेंगे, ठीक है। आया समझ, मतलब म्यूकस मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्लूडिटी होना, मतलब जैसे हमारी आईज में भी होती है, ठीक है, टीयर्स होते हैं हमारे, नोज में भी हमारी फ्लूडिटी होती है, हमारे माउथ में भी होती है और स्टमक में होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं म्यूकस, ठीक है, फ्लूडिटी होना। तो हमारे म्यूकोएडेसिव ड्रग सिस्टम जो होते हैं, हमारे म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम डिलीवर कर सकते हैं कहाँ कहाँ के थ्रू, जैसे बकल डिलीवरी सिस्टम, बकल मतलब मुंह के द्वारा, ठीक है, ओरल के द्वारा, ओरल डिलीवरी सिस्टम के द्वारा, वेजाइनल डिलीवरी सिस्टम, रेक्टल डिलीवरी सिस्टम, नेसल डिलीवरी सिस्टम और ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम। ऑक्यूलर मतलब होता है आँख वाला, ठीक है, नेसल तो आपको पता है नोज से करेंगे और ऑक्यूलर मतलब आइज से करेंगे, ठीक है। वेजाइना और ये बकल, ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना एक डिलीवरी सिस्टम क्या कर सकते हैं, म्यूकोएडेसिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी आइज में ड्रॉप डालते हैं, उसका क्या होता है, वो लंबे समय तक हमारा उसका चलता रहता है, ठीक है, हमें बार बार डोसेज लेने की ज़रूरत नहीं होती आइज के लिए, नोज के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो जो म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरियस रूट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। और वो वेरियस रूट्स कौन कौन से हैं, बकल, ओरल, वेजाइनल, रेक्टल और नेसल ऑक्यूलर। तो हमारा म्यूकोएडेसिव ओरल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम था, तो ओरल रूट इज द मोस्ट प्रिपेयर, क्या है, प्रिपेयर रूट होता है, जो ओरल रूट होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट होता है, ठीक है, उसी से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी ड्रग। मतलब कि कोई हम ड्रग की क्या करते हैं, डिलीवरी तो करते हैं हम, ठीक है, माउथ के थ्रू। तो ड्रग डिलीवरी वेयर द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओरल कैविटी कैन बी सब डिवाइडेड एज, जैसे कि सबलिंगुअल डिलीवरी। सबलिंगुअल डिलीवरी क्या है, दिस इज अ सिस्टमेटिक डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। जो हमारी सबलिंगुअल डिलीवरी है, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक डिलीवरी है ड्रग्स की, ठीक है। जो हम दवाई खा रहे हैं उसका क्या है, एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, मतलब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी दवाई को अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो सबलिंगुअल हुआ हमारा। उसके बाद आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ओरल म्यूकोएडेसिव
ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सब ऑरल होती है, ठीक है, एक होती है ऑरल कैविटी और दूसरा होती है सबलिंगुअल, ठीक है। सबलिंगुअल मतलब कि हमने मुंह के थ्रू लिया उसको, ऑरल में मतलब हमने डायरेक्ट उसको अप्लाई करा अपने माउथ में, ठीक है। ये था हमारा। तो फिर नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल आते हैं, जैसे कि बायो एडिशन का प्रिंसिपल ऑफ बायो एडिशन और म्यूको एडिशन। तो म्यूको एडिशन इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, म्यूको एंड एडिशन। जो म्यूको एडिशन है वो दो वर्ड से बना है, फर्स्ट हमारा है म्यूको, ठीक है, MUCO, और एडिशन दूसरा है हमारा एडिशन। तो म्यूको एडिशन का मतलब अलग अलग होता है। जैसे म्यूको का मतलब क्या होता है, म्यूको मतलब इनर लेयर्स आर कॉल्ड म्यूकोजा, जो हमारी अंदर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोजा, ठीक है। और इनर एपिथेलियल सेल लाइनिंग इज कवर्ड विद विस्को इलास्टिक फ्लूइड, ठीक है, सिक्रेटेड बाय ग्लोबलेट सेल्स कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड म्यूसिन, ठीक है। और अदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, म्यूको पॉलीसेक्राइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसकी थिकनेस कितनी होगी हमारी म्यूको की, अराउंड कितनी होती है, 40 से 300 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसका मेन रोल क्या होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर, लुब्रिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। उसके बाद हमारा एडहेसिव क्या होता है, म्यूको मैंने बताया हमारे कि इनर लेयर होती है हमारी म्यूकोजा की, ठीक है। म्यूको मतलब इनर लेयर आर कॉल्ड एज म्यूकोजा। इनर एपिथेलियल सेल लाइनिंग इज कवर्ड विद विस्को इलास्टिक फ्लूइड, किस जो हमारी इनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो किससे कवर्ड होती है, विस्को इलास्टिक फ्लूइड से कवर्ड होती है। और क्या करती हैं वो, सीक्रेट ग्लोबलेट सेल्स को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और किससे बनी होती है, किसको कंपोज करती है, वाटर और म्यूसिन को, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, पॉली इलेक्ट्रोलाइट एनायनिक क्या होते हैं, जो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसकी प्रोटीन, लिपिड्स, म्यूको पॉलीसेक्राइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी होगी, 40 से 300 माइक्रोमीटर। और इसका मेन रोल्स क्या होता है म्यूको का, प्रोटेक्ट करना बैरियर को, लुब्रिकेट करना और एडिशन करना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया जो म्यूको दो वर्ड से बना है हमारा, म्यूको प्लस एडहेसिव। तो उसके बाद एडहेसिव क्या होता है, एडहेसिव होता है टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन एडहेयर टू सरफेस, मतलब कि उस जगह रहने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव, ठीक है। कि वो एक ही जगह क्या है, स्टेबल है, एक ही जगह मतलब रुका हुआ है, उसको हम मतलब उसकी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव। इफ सब्सटेंस एडहेयर टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं अगर लेकिन सब्सटेंस क्या है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कांचा। मैंने बताया था कि हम बायो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ, हाँ ठीक है। अगर हमारा सब्सटेंस किससे जुड़ा है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे बायो एडहेसिव, ठीक है। इफ सब्सटेंस इज एडहेयर टू बायोलॉजिकल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, लेकिन अगर वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूको एडहेसिव, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है तो बायो एडहेसिव, बायोलॉजिकल और म्यूकोसल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है तो म्यूको एडहेसिव, ठीक है। ये वर्ड्स क्लियर हैं आपको। नेक्स्ट हमारा होता है कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ म्यूको एडिशन इज मेनली बेस्ड ऑन सिस्टम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होते हैं कॉन्सेप्ट, इसका केमिकल बॉन्ड के साथ हम कर सकते हैं इसको, और मैकेनिकल बॉन्ड के साथ भी कर सकते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है हमारा, इट में इंक्लूड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये क्या करते हैं हमारे, इतने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसको जोड़ लेते हैं, और जितने भी सेकेंडरी वीक बॉन्ड्स होते हैं ना हमारे, उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट होता है। और केमिकल बॉन्ड में हम क्या करेंगे, दिस बॉन्ड कैन बी अराइजिंग फ्रॉम द फिजिकल कनेक्शन। ये जो बॉन्ड होते हैं हमारे कहाँ से अराइज करेंगे, फिजिकल कनेक्शन से, किसके बीच में, दो सरफेस के बीच में। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम, और ये किसके जैसा होता है, जैसे कि हमारा कोई इंटरलॉकिंग सिस्टम चल रहा है उसके जैसे सिमिलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूको एडहेसिव। तो जो हमारा फैक्टर्स होता है म्यूको एडहेसिव का, वो क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि उसका मॉलिकुलर वेट हमें चेक करना, कॉन्सेंट्रेशन होना एक्टिव पॉलीमर का, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन की, ठीक है। जो हमारी पॉलीमर चेन है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ये सब किस में आते हैं, पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, हमारा फर्स्ट फैक्टर्स कौन सा है, पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका मॉलिकुलर वेट को चेक करते हैं, और उसका कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं हम एक्टिव पॉलीमर का, और उसकी हम पॉलीमर चेन के साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स होता है हमारा, उसके अंडर कौन कौन सा आते हैं, उसके हमारे जो पीएच, हमें उसको सब्सट्रेट की इंटरफेस करना है, उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, उसकी पीएच को, और जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसको अप्लाई करना, और इनिशियल कॉन्टैक्ट टाइम को हमें चेक करना, और उसकी स्वेलिंग को चेक करना, ठीक है।
ये हमारा आता है इन्वायरमेंटल जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनके अंडर आते हैं सब। और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, डिजीज स्टेट में उसको लाना, ठीक है, ये हमारा मेन फैक्टर होता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि एक डिजीज स्टेट फॉर्म करना, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, म्यूको एडहेसिव का मैकेनिज्म मतलब कंपोजिशन होती है म्यूकस की, तो वाटर कितना परसेंट होता है इसमें, 95% होता है। और जो ग्लाइको प्रोटीन होती है हाई मॉलिक्यूलर वेट की, तो वो प्रेजेंट होगी इसमें। मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होंगे 1%, और फ्री सॉल्ट जितना भी होता है हमारा 0.5% से लेके 1% तक इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मैकेनिज्म था म्यूको एडहेसिव का, तो इसके कुछ कॉम्पोजिशन होते हैं म्यूकस के, तो जिसमें वाटर हमारा 95% होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ, ठीक है। जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ प्रेजेंट है। उसके बाद मिनरल सॉल्ट और फ्री सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा आपका, कि म्यूको एडिशन क्या होता है, बायो एडिशन क्या होते हैं, किस कौन कौन से रूट्स के थ्रू हमारी बॉडी में डिलीवर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की, ठीक है। तो एडवांटेजेस मतलब क्या होते हैं, दोनों होते हैं, लाइपोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स भी इसमें परमिएट करती है, ठीक है। लाइपोफिलिक मतलब क्या होता है, कौन सा लाइपोफिलिक, यस, लाइपोफिलिक मतलब फैट सोल्यूबल, और हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर सोल्यूबल, इसमें दोनों ही ड्रग्स क्या करती है, परमिएट करती है, ठीक है। तो बहुत लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स कैन बी परमिएटेड, ये इसकी एडवांटेजेस हुई। दूसरी होती है फर्स्ट पास एलिमिनेशन एसोसिएटेड विद द ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन, सो इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपेटिक एक्टिविटी, ठीक है। जितनी भी हमारी थेरेपेटिक एक्टिविटी है उसकी बायो अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, उसको बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट होता है दीज डोजेस फॉर्म्स आर रिलेटली लोकलाइज इन द रीजन अप्लाई टू इम्प्रूव एंड एनहेंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, ये क्या करता है, ड्रग्स की भी जो बायो अवेलेबिलिटी थी उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, रिलेटिवली स्मॉलर होता है ये, ठीक है, एड्सॉर्प्शन से क्या होता है, स्मॉलर होता है। और द थिकनेस ऑफ डिलीवरी सिस्टम शुड बी लिमिटेड, इसकी जो थिकनेस होती है क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, टू फ्यू मिलीमीटर इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और नेक्स्ट होता है पार्ट ऑफ ड्रग मे बी डिजॉल्व इन सलाइवा एंड मे बी स्वेलर्ड, जो हमारा ड्रग का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं अपने सलाइवा में, और चाप भी सकते हैं, इसको चबा के भी खा सकते हैं, ठीक है। और ये होता है नेक्स्ट होता है ड्रग्स विच इरिटेट ओरल म्यूकोजा और हैव बिटर टेस्ट कॉज ऑल एलर्जिक रिएक्शन डिसकलरेशन ऑफ द टीथ कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, जब हम ये इस टाइप की दवाई लेते हैं खाते हैं, तो हमारे क्या होती है, बहुत ज़्यादा कड़वे टेस्ट की होती है, और क्या कर सकती है, वो हमारी बॉडी में एलर्जी रिएक्शन भी कॉज कर सकती है, ठीक है। और हमारे जो दांत है उनका कलर भी चेंज कर सकती है, ठीक है, हमारे जो टीथ है उनका कलर क्या हो जाएगा, डिसकलर हो जाएंगे वो, ठीक है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी। तो आज हमने क्या पढ़ा, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ा। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है। आज हमने पढ़ा कि म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, कॉन्सेप्ट, ठीक है, फैक्टर्स और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे BDDS, ठीक है। BDDS क्या होता है, बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, से यस और नो, एनी क्वेरीज, रॉबिन समझ आया बेटा, यस मैम, आगे समझ, मंजीत आपको, रोबिन, क्या होता है म्यूको एडिशन, बोलो, आकांक्षा आप बताओ, इसको कौन कौन से रूट्स के थ्रू हम अपनी बॉडी में डिलीवर कर सकते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं जिनको हम अपनी बॉडी में डिलीवर कर सकते हैं,
बोलो पीयूष, आप बताओ। जो हमारा म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, हम इसको कौन कौन से रूट्स के थ्रू अपनी बॉडी में कर सकते हैं डिलीवर? हाँ, और ऑक्यूलर, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके म्यूको एडहेसिव के, मानसी? बांसी, डू यू हेयर मी? स्वीटी, आप बताओ। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ म्यूको एडहेसिव? फैक्टर्स होते हैं पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। उसके अंदर क्या क्या वो आते हैं हमारे डिसऑर्डर्स, उसको हम चेक करते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, डिजीज स्टेट को चेक करते हैं, ठीक है। और पॉलीमर में हम करते हैं उसका मॉलिकुलर वेट चेक करना, कॉन्सेंट्रेशन करना एक्टिव फॉर्म में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना और, ठीक है, पॉलीमर चेन की फॉर्म्स में इसको हम इसकी क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम इसकी पीएच करते हैं चेक, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसको चेक करते हैं, इनिशियल कॉन्टेक्ट टाइम को चेक करते हैं, उसकी स्वेलिंग्स को चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स होते हैं म्यूको एडहेसिव के। कुछ मैंने एडवांटेजेस बताई थी इसकी कि ये बहुत होता है लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक भी होता है। इसकी जो थेरेपेटिक पायरेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मतलब इंक्रीज करता है उसको। और डोसेज फॉर्म को हमारे ड्रग्स को हमारे माउथ में ईजिली जाने के लिए भी है क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है उसकी अवेलेबिलिटी को, ठीक है। डिसएडवांटेज इसकी यही होती है, इसका बहुत बिटर टेस्ट होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। इसको खाने के बाद हमारे जो हमारे टीथ है उसका कलर चेंज हो सकता है, डिस्कलरेशन हो सकता है वो, ठीक है। यही था इसका। और म्यूको और एडहेसिव की दो वर्ड से बन के बना है म्यूको एडहेसिव, वो क्या होता है मैंने बता दिया है। और जब मेम्ब्रेन किससे अडहेयर करेगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ, तो क्या होंगे, बायो एडिशन। और जब किसके साथ करेगी, म्यूकोसल मेम्ब्रेन के साथ करेगी, वो क्या होंगे, म्यूको एडिशन, ठीक है। मेरी साइड से ये आपका जो यूनिट था, टॉपिक था, वो क्लियर हो चुका है। अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे BDDS, बकल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। चलिए, ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए। अभिषेक सैनी, आदिति, एकाम, आकांक्षा, आकाश सिंह, क्या हुआ? आकांक्षा, आकाश सिंह, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, ठीक है। अल्तमेश, अल्तमेश, अंकित सैनी, अनमोल, अनुभव, अनुभव पासवाल, आसिफ, आयुष, दिशा, आसिफ मैंने लगा दी आपकी, ठीक है, आयुष, विशाल, फिरदौस, हर्ष, जावेद, जिशान सैफी, कैलाश जोशी, कपिल काम्बोज, काविश, मंजीत, ठीक है, मंजीत, जिशान मैं लगा दी है आपकी, ठीक है, मंजीत, मानसी, दिशान में कर चुकी, लगा चुकी हूँ आपकी,
सरफराज, एजाज, अमान, आजम, जुनेद, वामिश, अनवर, मोहितपाल, मनोज शर्मा, नीलकांत, निशांत। हाँ ठीक है। पर चौहान, पीयूष, प्रशांत, प्रशांत, रवि, रविंद्र कुमार, रिजवान आलम, रॉबिन, सचिन, सादाब अली, सावेज अली, शावेज, शाहरुख, स्वीटी, तुषार, उत्कर्ष, वहाब, विकास, विपुल गुप्ता, विपुल, ठीक है विकास, हाँ ठीक है बेटा, विपुल मलिक, विश्वकर्मा, वासिफ राव, विश्वकर्मा, ठीक है, अभिषेक जायसवाल, अमित कुमार, शुभम चौधरी, ठीक है डन, ठीक है, हाँ अनुभव आपकी हो गई, हाँ मैंने लगा दिए, ठीक है, थैंक यू क्लास।